मैं गरीब हूँ। आ मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, पर कोई नहीं, मैं गरीब ही ठीक हूँ। ये देखो गाइस, करेला पूरा ताजा ताजा बिना बॉयल किए हुए, एकदम कच्चा मैं खाने जा रहा हूँ। पानी दो पानी। So, hey guys, Smokey Bear Nodam Wali Rock Lama, Happy New Year आप सभी को। ये 2024 का मेरा पहला वीडियो है, आई होप कि इसमें आप प्यार दिखाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक से सब कुछ कर देना, बिकॉज आपसे आने वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा तावनताड़ होने वाला है। अब से मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, एंड मैं अभी कहाँ पे हूँ आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ियों का वादियों पे हम मजे कर रहे हैं, एंड हमारे साथ कौन है देख सकते हैं, वन एंड ओनली देसी चार्ज इन द हाउस। कैसे है भैया? हैप्पी न्यू ईयर। मैं एक्चुअली बता दूं, सिलगुड़ी से ना हम भैया के घर पे स्पेशली खाना खाने के लिए आए थे, बिकॉज हमारे जो भैया है ना, भूटे को भात ना बहुत अच्छे से बना दे। अभी जस्ट हमने खा लिया है, और हमारे देसी चाचा का ये सुमो देख सकते हैं। ए सुमो, कहाँ हुआ रे चाचा? ओ इसका शादी वादी करा दो यार, शादी मुझे लगता है सुमो का नहीं, अब देसी चाचा का होने वाला है। कुछ ही दिनों में खुशखबरी आने वाला है। ये जोक नहीं है, एकदम ही सीरियस कांड आएगा। इस एक्चुअली मैं सिलगुड़ी से आ रहा था, रोंगटंग में मैं ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया था, एक दो घंटा मेरा गोप्रो काम ही करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। तो मैं यहीं आके स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं बता दूं, आज हम जाने वाले हैं अपने घर। मैं जो रोकलामा हूँ, मैं पिछले साल आया था, अभी मैं नए साल में घर जाने वाला हूँ। 23 दिसंबर 27 को मैं आया था सिलगुड़ी कुछ काम से, अपना रॉकी का भी काम था, और मेरा जो डांस वीडियो है वो मैंने आधा कंप्लीट कर दिया। अब एक दो फुटेज उठाना, उसके बाद फुल वीडियो बन जाएगा, उसके बाद फिर अपलोड कर दूंगा अपने मेन चैनल पे। और हाँ, मेन चैनल से याद आया गाइस, मैंने ना अभी जस्ट मेन चैनल पे अपना बॉक्सिंग नॉकआउट फाइट 1v1 अपने जाने दुश्मन एकदम ही रियल एनिमल आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा। लिंक कमेंट में और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। अपने मेन चैनल पे मैं स्पेशली अपलोड किया हूँ, और देसी चाचा से मैं इसलिए मिलने आया हूँ बिकॉज अभी घर जा रहे हैं, पता नहीं कब आऊंगा। मैंने बोला था भैया को हमारे घर चलो, बट भैया को अभी कुछ काम है, कुछ काम है तो इसलिए। हाँ, तो भैया के हाथ में क्या है? ये बस एक रॉक के लिए ना हमारे तरफ से, कार्ड तो नहीं शादी का, बट मुझे लगा था ये ना देसी चाचा का शादी का कार्ड आ रहा है, मैं तो शॉक्ड हो गया भाई। तो मैं बता दूं, ये जो कार्ड है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे ना मंदिर बन रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है, तो मेरी तरफ से तो मैं जितना हो पाए मैं वो दे दूंगा। तो अपने रोकना फैमिली जितने भी सारे हमारे देसी चाचा के गाँव में, वो साइड में आपको बनने को दिखेगा, जब बन जाएगा ना मैं आपको आऊँगा ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नेपाली में लिखा गया है, और यहाँ पे QR कोड, और यहाँ पे ये UPI ID है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जितना हो सके आपकी तरफ से हेल्प करिएगा, बिकॉज हमारे देसी चाचा के गांव पे बहुत ही अच्छा मंदिर बनने जा रहा है, अच्छा काम के लिए बना रहे हैं। हाँ, और मैं आज अकेला घर नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक सरप्राइज है। वो रहना हाँ, इंट्रो में तो आपने देख ही लिया होगा। अभी फिर भी बताएंगे नहीं, चलते चलते आपको बताएंगे। माल बाजार से अपने भाई को पिकअप करना है, माल उठा के लेके और हाँ, वहाँ से हम लोग घर जाएंगे, हमारे भाई को अपना भूटान, अपना जयगांव, स्पेशली अपना जयगांव घुमाएंगे। ओके गाइस, अब मैं देसी चाचा के घर से निकल रहा हूँ, अभी टाइम 12 नून हो रखे है, एंड हम दोनों के जिंदगी में ना इतना बड़ा एल लगे हुए है ना, कि ये जो जितना भी सारा प्रॉब्लम है ना, मैं दो शब्दों में आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, जो कि अभी जस्ट मैंने रील्स देखा वो हम दोनों को रिलेट करता है। तो शब्द ऐसा है कि दुनिया का तो क्या है, दुनिया को तो नजर आता है एक हंसता हुआ चेहरा, और एक खुश इंसान, और एक बढ़िया सी जिंदगी, लेकिन कौन जानता है कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना गम है। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा, सुमो तो ऊपर है, चार्ली किधर है? चार्ली नहीं, अंदर ही है शायद। ओके, तो ये रहा गाइस, कितना अच्छा है ना गाइस, घर पे कोई होता है तो इतना साफ सुंदर होता है। और ये हमारे माम का ना धूप कोठा है गाइस, और ये सिटिंग एरिया है हमारे। ओ चाचा किधर है? ओ अरे चार्ली इधर है दोस्तों, चार्ली कैमन अच्छे है? ओ चाचा पुचुर पुचुर पुचुर, ये देखो कितना बड़ा हो गया यार, बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, खाना भी तो भाई उस हिसाब से खा रहा है। ये देखो क्या हो गया चार्ली भाई, ये देखो GoPro बार बार प्रॉब्लम भी दे रहा था, बैटरी भी नहीं था, चार्ज पे लगा दिया हूँ दोस्तों। और अपना हेलमेट देख सकते हैं, ये जो माउंट है ना, ये देखो ये पूरा का पूरा उखड़ गया, बट यहाँ पे अपना देसी चाचा के पास एक्स्ट्रा माउंट था, तो हम ये लगा रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच देसी चाचा। कोई नहीं, हमारे देसी चाचा का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाके प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, 2024
का सब्सक्राइब दो देसी चाचा के चैनल पे जाके। हाँ सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देसी चाचा के चैनल पे अब कुछ दिन के बाद भाभी आने वाली है। भाभी वन या भाभी टू? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखना मजाक मजाक में कब दुल्हनी दूल्हा दूल्हा उठा के जाएगा, दुल्हन को पता ही नहीं चलेगा। अभी इसको यहाँ पे सेटअप करते हैं और मिलते हैं नीचे। गाइस अभी मैं जो आपको नजारा देखने वाला हूँ आप देख के चौंक जाओगे, देख सकते हैं गाइस टॉय ट्रेन दार्जिलिंग का रेल झुक 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 झुक, टूरिस्ट लोग बैठे हुए वहाँ पे देख सकते है। ये जो टॉय ट्रेन है पूरा का पूरा दार्जिलिंग से पूरा नीचे सिलगुड़ी तक जाएगा। देखो क्या मस्त व्यू आ रखा है ना दोस्तों, एंड ये रहा अपना रॉकी देख सकते हैं, यहाँ से व्यू तो मस्त आ रखा है। बट यहाँ पे देखो ना चिड़िया ने क्या कर दिया गाइस, पूरा हॉक दिया गाइस, टट्टी कर दिया अपने रॉकी को। चलिए देसी चाचा फिर मिलते हैं, फिर पक्का मिलते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे जैसा हो गया रोंगटंग का रास्ता। जब भी मैं सिलगुड़ी में होता हूँ एक भी बार मैं रोंगटंग आया ना नहीं आया ना तो मजा ही नहीं आता। ये देखो ये लिंक चेक मारो गाइस, सिलगुड़ी का सबसे बेस्ट रास्ता रोंगटंग ही है भाई। इसमें जो राइड करने का जो फील आता है ना मैं बता नहीं सकता हूँ, सेम टू सेम मोटो जीपी वाला भाई बात है। ये देखो दोस्तों ये देखो, अरे रे ये देखो ये गिट्टी गिट्टी में ना भाई स्लीप हो जाएगा ना गेम खत्म हो जाएगा बेटो। बीच बीच में ऐसे बहुत रास्ता बन रहा है गाइस और खट्टा खुट्टी आएगा आराम से जाएंगे। अरे ये ट्रेन का पटरी तो बहुत बार आता है भाई, इसमें ही बहुत बार मैं तो घिरा भी हूँ। ओके गाइस बाइक वॉशिंग प्लेस पे आ चुका हूँ, अपने रॉकी को अब वॉश करा के निकलते हैं यहाँ से। अपना रॉकी पूरा वॉश हो चुका है एकदम, देख सकते हो अभी पूरा चमचमा रहा है बिकॉज यहाँ पे पंछी वगैरह ना हक दिया था तो अभी सब कुछ हो गया है। मौसम तो काफी सुहाना हो रखा है, आई थिंक स्कूल का बच्चे लोग का स्कूल छुट्टी हो गया, अभी ग्राउंड में आके कुछ खेलेंगे स्पोर्ट्स वगैरह। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे ना क्या बताऊं गाइस, हम स्कूल के सबसे लास्ट बैक बेंचर जो था ना वो मैं था पता है। कोई भी सब्जेक्ट का टीचर आता था ना पढ़ाने के लिए तो मैं ना लास्ट बेंच में बैठता था ना, तो मैं उसका ना एडवांटेज उठाता था, लाइक मैं पूरा सो जाता था। और कभी कभी तो सर पूछते थे क्या हो गया उसको, मैं बोलता था सर मेरे को स्टोमक पेन हो रखा है सर, कभी मेरा सर दर्द हो रहा है। पर हिस्ट्री में मैं काफ़ी मतलब पूरा फोकस करके पढ़ाई करता था बिकॉज हिस्ट्री टीचर जो था ना बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लाइक देखने से ही सब जो डर जाते थे। तो ऐसे होता है, बहुत मस्ती किए हैं हम, एक दिन अच्छे से आपको हमारा लाइव स्टोरी बताएंगे। ओके लुक गाइस लुक हु इज हियर, वन एंड ओनली लुइस राय। हेलो जैकी चैन कैसे हो? घूम घाम के आए। ओके गाइस अपना रॉकी वहाँ पे रहने दो थोड़ी देर के लिए, अभी हम लुइस के यहाँ थोड़ा जाके आते हैं बिकॉज अंदर पे हमारी गिगी बहन भी है। एक्चुअली हमारा जो लुइस भाई है ना अब कल सुबह मुंबई जा रहा है, तो मैं बोला था मुंबई तो जा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ रॉकी उधर आए मुंबई को, आपका आप लोग को रॉक फैमिली जो है उन लोग को मुंबई का थोड़ा हवा हवा दिखाए ना। तो अपना भाई पहले मुंबई जाएगा, उधर जाके सेटल होगा, उसके बाद हम आएंगे। एकदम मोस्ट वेलकम, मजा आ जाएगा। चलो अंदर चलो गाइस, हमारी गिगी बहन क्या कर रही है देखो। गिगी बहन हेलो नमस्ते, हाय हाउ आर यू? नमस्ते। ओ करेला का क्या बनेगी, ये पकोड़ा? नहीं अचार। सच बताओ तो गाइस करेला मेरे को पसंद नहीं है, बट पता नहीं लोग कैसे खा लेते। तो दोस्तों हमारे भाई और बहन जा रहे हैं कल सुबह मुंबई, बेस्ट ऑफ लक बहन, अच्छे से अच्छा काम करके आना एंड जुग जुग जियो दोनों, मुबारक हो, कबूल है? हेलो फूफू हाउ आर यू? वैसे फूफू आप कहाँ से है? तो अभी तो आप यहाँ पे नहीं हो, तो क्या बाथरूम से कॉल करके बात करेंगे? किधर हो आप? किधर? अच्छा ओके ओके, अच्छा ये दीदी आपका घर है ये? अरे ये हेनोस मेरा चेहरा देखो कितना खूबसूरत हो मैं देखो। अच्छा ये हमारी वर्षा की बड़ी फूफू है, फूफू फूफू मींस चाची चाची। थैंक यू सो मच फूफू, कभी बुलाएगा आपके घर पे चाय पानी के लिए, ठीक है? आज तो हम आए थे आप तो घर पे नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना ना लुइस। हाँ और उनका रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। अच्छा आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है? भाई कितना लग्जरियस है आपका कैफे, तो बुलाओ कभी हवाली पे।
रोहिणी साइड में है क्या ये? अच्छा ठीक है, कभी टाइम मिलेंगे तो हम आएंगे। मतलब आप इनवाइट कीजिएगा ना, आप इनवाइट करेंगे तो हम वहाँ पे आके कुछ भी खाएंगे तो पैसा नहीं लगेगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे गिगी जी का दादी जी। नमस्ते दादी जी, एक बार टेस्ट करके देखो ना। ला तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। इसको पहले बॉईल करके फेंकना पड़ता है, फिर तिल होता है ना, तिल पिसे हुए तिल और बेसन में चुबा के फ्राई कर। चलो गाइस, आई हेट करेला बट आज मैं आपको बिना बॉईल किए हुए खा के दिखाऊंगा, सिर्फ आपको, आप लोगों के लिए गाइस। ओके मैं ये खाऊंगा तो मुझे कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे? 1 million, ये लेट्स गो 1 million। चलो गाइस ये मैं खा रहा हूँ, 1 million सब्सक्राइबर कर देना सच्चे। लाइक करो, लाइक करो, ये देखो पानी दो पानी भाई, ऐसा लग रहा है मेरे जहर खा लिया। ओ सती अरे आग बड़ा हंस हंस कुछ तो आदि प्राइस दो। मुझे ये चीज हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ओ भाई साहब, ये जो करेला दिख रहा है ना गाइस, मैंने नहीं खा पाया ना। अभी देखो दादी जी कैसे खाएंगे, ये देखो दोस्तों, ये देखो खाइए खाइए। ला ओ दादी जी, दूसरा बाइट, दूसरा बाइट। आप किस गोला से हो दादी जी? सीरियसली दादी जी, मेरे को तो सेम टू सेम जहर की तरह लगा। ये थोड़ा मीठा है। ये चीज करो तो, ये ना मेरा दादी ने बनाया भाई। तबे मैं मुंबई जा रही हूँ ना, तो इसलिए किसके लिए? रॉक के लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे आपके लिए भी है। नहीं भैया को टेस्ट करने। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? ये सोयाबीन का। ओके क्रंची स्पाइसी मसालेदार लाजवाब। और ये किसने बनाया है? मेरे दादी ने। दादी जी ने बनाया, दादी जी के हाथ में जादू है गाइस। और ये सूखा हुआ मछली है, ये देखो। ये तो खाने का साथ भाई कितना खाना जाएगा मुझे ही बताए। इसको पैक करा दो ना, हम घर लेके जाएगा। हमारे लुईस भाई को बेस्ट विशेस कमेंट में कर देना गाइस, बिकॉज अब मुंबई जा रहा भाई अपना, जो कि सपनों का नगरी पे आप अपना सपना बनाने जा रहा है, तो अच्छे से काम करके आना ठीक है। ओह दोस्तों, मैं तो पसीना ही पसीना हो गया है, बिकॉज अभी जस्ट अपने रॉकी पर अपना पूरा सामान मैंने यहाँ पे लोड कर दिया है। और अभी टाइम देख सकते हैं, रात के 8:35 हो रखे है। अभी मैं निकल रहा हूँ घर, आई थिंक 12-1 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। इतना टाइम क्यों लगा मैं बता दूं तो, सालबड़ी से मैं निकला ना, सिलगुड़ी का ट्रैफिक इतना ज्यादा जाम था ना, उसी में पूरा टाइम चला गया। उसके बाद मैं सीधा चला गया सेवबुक के रास्ते पर अपना गोप्रो सेट करने के लिए। और अपने गोप्रो को ना इतना ज्यादा टेस्ट किया ना, देखो। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 हेलो चेक, हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अपना जो गोप्रो है वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा था ना, तो वो दुकान में जाके मैंने दिखाया, मुझे लगा अपना गोप्रो का एडेप्टर खराब हो गया, तो एडेप्टर चेकअप किया नहीं हुआ, गोप्रो चार्ज करके फिर दूसरा लगाया नहीं हुआ, माइक दूसरा चेंज किया नहीं हुआ। लास्ट में देखा तो अपना माइक में ही प्रॉब्लम है, जो मैंने रोड का काफी महंगा वो लिया था, तो उसको रिप्लेसमेंट में दे दिया हूँ, 15 दिन बाद आ जाएगा दूसरा। अभी मैंने नया माइक लिया हूँ गाइस, ये सोनी का माइक है, काफी अच्छा है। अभी मैं आपको वॉइस क्वालिटी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और ये भी नया लिया है, अभी एकदम सही एंगल आएगा अपना गोप्रो का। ओके गाइस, आई होप कि अभी गोप्रो का वॉइस एकदम ही अच्छा और एंगल सही आ रहा होगा, तो अपने रॉकी को लेकर चलते है घर की तरफ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कुछ सालों बाद आप सिलगुड़ी सिलगुड़ी नहीं दिखेगा आपको, बड़ा सा सिटी दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 लाइन बन रहा आई थिंक, और यहाँ के ऊपर ना वो बनेगा ब्रिज के ऊपर ब्रिज, जहाँ पे गाड़ी चलेगा, वाव आई थिंक ट्रेन भी चलेगा, आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है। हेलो गाइस, की कोटी से आमी के तो बहुत ठंडा लागे से रे केला एमन एमन एखाने तो ठंडा से ना मोर गला सूखी गई से। हेलो मैं पहुंच गया हूँ डामडीम, ये मोड़ पे खड़ा हूँ और यहाँ से राइट वाला रास्ता दिखा रहा है, ठीक है हम आ रहे आ रहे। आई डोंट नो गाइस,
पहली बार ये रास्ता होकर हम जा रहे हैं। अपना भाई ये अंदर ही रहता है। ये देखो दोस्तों रास्ता, ये तो बहुत ही कोना जगह पे है यार। अपना भाई तो ये दूसरा गोला पे रहता है का, ये तो नदी साइड दिखा रहा भाई। सो फाइनली गाइस हम लाखों करोड़ों साल बाद पहुंच चुके हैं एंड अपने भाई से मिले। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, पर कोई नहीं, मैं गरीब ही ठीक हूँ भाई साहब। फाइनली गाइस मुझे पता नहीं था कि मैं अपने सावन भाई से मैं मिल पाऊंगा, बिकॉज कभी ना कभी कुछ हो जाता था या तो कभी कुछ चले जाते थे, कहीं कहीं मुलाकात नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट किया हम सावन भाई को, अब बड़े बड़े लोग हाँ कहीं कहीं कहाँ चले जाते, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भाई फाइनली जाकर हमने इसका जहाँ पे अड्डे पे रह रहा है उसका ट्रेन वो अड्डे का हैक किया। उसके बाद फाइनली हम अपने सावन भाई के भाई लोग के यहाँ पहुँच चुके हैं। जो कैन सी अभी अपना भाई का भी बैकपैक हो चुके हैं। अपने भाई को अभी हम लेके जा रहे अपने जयगांव आ रहे हम लोग। राम राम छो, राम राम छो। भाई भाई ये मैं कहाँ आ गया गाइस, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। ए दोस्तों हम लोग कहाँ आ गए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ये क्या हो रहा है भाई भाई भाई। ओह माय गॉड क्रेजी गाइस, ओ गाड़ी आ रहा, गाड़ी आ रहा, गाड़ी आ रहा, ओ माको भाई। सो हे गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी टाइम देख सकते हैं 12:38 हो रखे भाई, रात के अभी जस्ट पहुंचे, बिकॉज रास्तों पे इतना ज़्यादा फॉगी था तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बहुत ही आराम आराम से आए। तो अपना रॉकी वहां पे देख सकते हैं और मिलिए पापा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग तो हो गया ना। हमारे सावन भाई को वेलकम है हमारे महल ताजमहल पे, क्योंकि हर कोई लोग क्या बोलते हैं पता है, दोस्त दोस्त ऐसे बुलाते हैं आओ हमारे गरीब खाने पे, ये मेरा ताजमहल है, अपना ताजमहल। तो अपना 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 होता है, दिल से ताजमहल है यार हम लोग, एक बार आओ तो सही। और आते ही हम लोग का यहाँ पे खाना लग चुका है। एक्चुअली पापा जी कब से बना के रख दिए थे, ये दुकान से लेके आया है एक्चुअली, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा ही हो गया, थोड़ा बहुत गर्म है चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे बातें थे जो कहने के लिए बट टाइम नहीं मिला, तो हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कंसिस्टेंट रख 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 डैक डैक डैक।